हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। एंड देखिए, आज फाइनली हमने 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, 1% से ज्यादा की तेजी, 190 पॉइंट चढ़ के निफ्टी हुआ है बंद। अगर आज की जर्नी देखें तो आपको धीरे धीरे ये चीज दिखाई देगी कि निफ्टी ने अपने लेवल्स को मेंटेन कर लिया है एंड सबके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि अब यहां पर 18,200 के लेवल्स को क्या निफ्टी कल अटेन कर पाएगा या नहीं। बट एक्चुअली में इस वीडियो के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ऑल टुगेदर पिक्चर आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। पिछले कुछ दिनों में जो पॉजिटिव इंस्टेंस मार्केट के ऊपर बना था, हम किस पॉजिटिविटी के साथ आज ओपन हुए थे नए हफ्ते में, वो सारी की सारी पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी में कन्वर्ट होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखना होगा। चलिए सबसे पहले बात करता हूं, देखिए आज किस तरीके के मार्केट्स रहे हैं। इससे पहले मैं दो और वीडियोस डाल चुका हूं और एक वीडियो मैंने एचडीएफसी बैंक के ऊपर बनाई थी जहां पर मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के मूव्स कवर कर लिए थे। तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने टारगेट भी दिया एचडीएफसी बैंक के लिए एंड वहां पर थोड़ा सा 15 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट पर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक के मैंने मूव्स दिखाए थे आज के। तो आप देखिए, अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो अगेन यहां पर एक बहुत पॉजिटिव कंडीशन आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त की जो स्ट्रेंथ है वो 65 पॉइंट्स के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है आरएसआई पे, अगर हम डेली चार्ट्स एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 का। और 16,400 के लो लेवल्स लगाने के बाद में तकरीबन 18,000 के ऊपर हम लोग इस वक्त हैं, यानी कि हमने गेन कितना किया है, 1600 पॉइंट्स का हमने गेन कर लिया है इस ट्रैजेक्टरी के अंदर, अब हम आ चुके हैं। क्लियर है कि देखिए रिवर्सल तो आ चुका है निफ्टी के अंदर, बिल्कुल यहां पर ट्रेंड लाइंस अगर आप मार्क करेंगे तो दोनों ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देंगी। अब पोजीशन है कि क्या कोई ऐसी न्यूज मार्केट के अंदर इस वक्त प्रिवेल कर रही है जो मार्केट्स को वापस से रेजिस्टेंस लेवल इन सपोर्ट लेवल पर ला सके जो 17,600 के हैं, या फिर यहां से मार्केट थोड़ी बहुत जिटरनेस लेके ऊपर की तरफ जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर मैं आपको देखिए क्या दिखा रहा हूं, बेसिकली यूएस से आई हुई न्यूज की क्या न्यूज है, उस न्यूज से ठीक पहले इस वक्त मार्केट्स कैसे चल रहे हैं यूएस के वो देख लेते हैं। देखिए ये इस वक्त का करंट मार्केट पोजीशन आप यहां पर देख रहे हैं, डाउ जॉन्स के अंदर इतनी भयंकर गिरावट है, 1.5% का कट है, 530 पॉइंट्स का कट यहां पर दिखाई दे रहा है। अभी तक का डे हाई ये चल रहा है इनके लिए, डे हाई 7:30 बजे मार्केट्स ओपन हुए हैं, इस वक्त 9 बज रहे हैं आईएसटी के हिसाब से और अभी तक का मैक्सिमम कट ये आप यहां पर देख रहे हैं। S&P 500 के देखेंगे तकरीबन 2.25% का कट है, नेस्डेक की बात करेंगे 2.21% का कट है। तो स्ट्रेट अगर आप देखें, पिछले हफ्ते 5% का कट नेस्डेक में था, इसके साथ में अब एडिशन हो जाता है 2.25% के कट का। अगर यहां पर आज क्लोजिंग ऐसी होती है तो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखेंगे 7% से ज्यादा का कट नैस्डैक पे आ चुका होगा। तो मेरे से एक व्यूअर ने अभी एक कमेंट में सवाल पूछा है कि क्यों बेसिकली मिड कैप आईटी या फिर आईटी स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं, ये उनका सवाल था। तो देखिए यहां से आपको आंसर मिल रहा है, नैस्डैक होल्ड नहीं कर पा रहा अपने लेवल्स को, यहां पर लगातार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है और कारण क्या है वो मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर अभी ये गिरावट नहीं आई है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो इंडिकेशन पहले से ही था किस तरीके से यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल लाल निशान के साथ हैं, आधे से लेकर 2% तक की गिरावट यहां पर आपको यूरोपियन मार्केट्स में दिखाई दे रही है इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन में। हम लोग बात करें निकाई की, जैपनीज मार्केट की, तो यहां पर बिल्कुल फ्लैट कंडीशन आ रही है। इसके बाद अगर बात करेंगे चाइना A50 की तो यहां पर हल्का सा पॉजिटिविटी है आज की, हांगकांग की बात करेंगे तो तकरीबन 1% की तेजी है, लेकिन ये मैटर नहीं करते हैं अभी फिलहाल जो करंट में न्यूज चल रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस न्यूज की तरफ जिसकी वजह से गिरावट आई है। देखिए आपको मैं बता देता हूं, आने वाले वेंसडे को, ऑलरेडी मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है यूएस के अंदर, एक बार फिर से वहां पर डर सताने लगा है स्टॉक मार्केट को कि अगर पिछली बार से ज्यादा इन्फ्लेशन आया तब किस तरीके से रिएक्शन होगा यूएस फेड का। उसी को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं और देखिए वही कारण रहा है कि आज मार्केट जो है बहुत जबरदस्त गिरता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस के अंदर। एनालिस्ट्स एट गोल्डमैन सैक्स रिवाइज देयर फोरकास्ट इन रिस्पॉन्स टू से दैट दे नाउ एक्सपेक्ट फेड टू रेज रेट्स 4 times दिस ईयर एंड टू स्टार्ट सेलिंग डाउन इट्स मैसिव पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स एज अर्ली एज जुलाई।
क्या कारण है इसका, क्या कहने का मतलब है कि वो इस साल के अंदर 4 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 4 बार। देखिए अगर इकोनॉमी पटरी पर चढ़ती है तो 1 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मैक्सिमम 2 बार बढ़ता है, लेकिन इस बार 4 टाइम्स ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इस साल में, ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं गोल्डमैन सैक्स। और बेसिकली जुलाई से पहले पहले अपनी मैसिव पोर्टफोलियो को, फेड के पास जो मैसिव पोर्टफोलियो है बॉन्ड्स का, उसके अंदर भी सेलिंग की जाएगी मैसिवली। तो ये जो न्यूज है, इस न्यूज की वजह से ही यहां पर इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। एंड रीजन क्या है, फियर ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑफ एन एग्रेसिव टाइटनिंग पॉलिसी बाय द फेडरल रिजर्व टू स्टॉप इट, इस इन्फ्लेशन को स्टॉप करने के लिए जो टाइटनिंग पॉलिसी यूएस फेड लेके आ रहा है, उसी कारण की वजह से इतनी मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल रही है। तो ये जो बेसिकली कट ऑफ आ रहा है यहां पर, यही कट ऑफ जो आपके लिए कल एक गैप डाउन क्रिएट कर सकता है सुबह जब मार्केट्स खोलेंगे। देखिए अगर आप 2 घंटे पहले यूएस फ्यूचर्स देखते तो आपको यहां पर कंडीशन कुछ और नजर आती, लेकिन फिलहाल अगर आप कंडीशन देख रहे हैं तो 1.5% के कट के साथ में यहां पर यूएस फ्यूचर्स आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.5% का मैसिव कट इमीडिएटली, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स का जो ये आर्टिकल आया है ये जस्ट अभी कुछ देर पहले का ही है, एंड मार्केट्स खुलते ही इसको यहां पर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो बहुत ज्यादा डीप करेक्शन इस वक्त यूएस बाजारों में है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी रिकवरी आज आपको क्लोजिंग होते होते देखने को मिल रही है। यानी कि क्लियर इंडिकेशन है कि कल आपको एसजीएक्स निफ्टी बेसिकली रेड साइन के अंदर भी कामकाज करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल की कंडीशन देखें तो 85 पॉइंट्स की तेजी यहां दिखा रहा है, 17,940 के ऊपर इस वक्त ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी कल की ओपनिंग मैटर करेगी और कल की ओपनिंग एसजीएक्स निफ्टी की मैटर करेगी किस तरीके से आज डाउ की क्लोजिंग होती है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि कल के लिए क्यों नेगेटिविटी हो सकती है इंडियन मार्केट्स के अंदर। तो बहुत ध्यान से पोजीशंस बनाइएगा। मुझे ये लगा था कि मंडे एंड ट्यूसडे बहुत सुकून के साथ बीत सकते हैं, वेंसडे ऑनवर्ड्स आपके पास में जिटरनेस आएगी, बट केवल मंडे ही आपके लिए वो सुकून भरा रहा है, कल ही आपको एक बड़ी जिटरनेस देखने को मिल सकती है, वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रह सकती है। यानी कि मूव्स ऐसे हो सकते हैं कि 250-300 पॉइंट नीचे की तरफ जाए निफ्टी और फिर वापस से 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ रिकवर होता हुआ दिखाई दे, तो कल वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा सकता है इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए। अब देखिए आगे मैं आपको लेके चलता हूं FIIs एंड DIIs की कहानी, अब देख लेते हैं। आज FIIs ने 124 करोड़ की ही बिकवाली करी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अभी आपको बताया था कि शायद मूव्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि या तो खरीदारी करी होगी या अगर सेलिंग करी होगी तो बहुत कम सेलिंग करी होगी। तो 124 करोड़ की सेलिंग यहां पर FIIs ने करी है आज की तारीख में। DIIs की बात करेंगे तो 481 करोड़ की खरीदारी यहां पर करी है। तो ये लोग बायर्स बनते हुए दिखाई दिए हैं, अगेन ये लोग सेलर्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है यहां पर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से नहीं आया, क्योंकि नेट अगर आप देखेंगे तो नेट जो है वो बाइंग की साइड में ही पोजीशंस रही हैं, क्योंकि हमारे पास में 481 करोड़ की बाइंग है DIIs की तरफ से। इसलिए मार्केट्स ने 18,000 के लेवल्स को अटेन किया एंड क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिए। हालांकि 18,000 के लेवल जो है वो लास्ट के आधे घंटे में ही आए, बट डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है निफ्टी। चलिए अब आगे आपको लेके चलता हूं एंड ब्रीफली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या कुछ डेटा आता हुआ नजर आ रहा है। 13th of January 2022 की है एक्सपायरी, 18,000 के ऊपर है आपका स्पॉट। अब यहां से देखना है क्या पोजीशन है। देखिए मैं ये समझता हूं कि ये जो पोजीशंस हैं ये आज 3:30 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से हैं। पहले चीज आपको ये दिमाग में रखनी चाहिए। अब अगर 3:30 बजे के हिसाब से यहां पर क्लोजिंग है, लेकिन उसके बाद में ये गोल्डमैन सैक्स की न्यूज आई है, उसके बाद में यूएस फ्यूचर्स डाउन गए एंड कोरस्पॉन्डिंगली उसके बाद में ही यूएस मार्केट्स ने इतना जबरदस्त कट दिखाया है, तो इसलिए ये जो यहां पर पोजीशंस क्रिएटेड हैं कॉल साइड में पुट साइड में, इनका ज्यादा रिलेवेंस नहीं होता कल के लिए। अगर इतनी बड़ी गिरावट यूएस में के अंदर आ रही है और वो इसी गिरावट के साथ में आज क्लोज देते हैं तो डेफिनेट सी बात है कल आप एक गैप डाउन देखेंगे, और गैप डाउन के हिसाब से पुट साइड में कहां पर सबसे ज्यादा राइडिंग है, यानी कि कहां सबसे ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो चेक करना होगा। तो 18,000 के नीचे अगर यहां पर निकलता है निफ्टी तो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई आपको दिखाई दे जाएगा 17,900 पर। आपको एक और चीज बता देता हूं, पिछले 2 दिन से ये जो ओआई की शीट आप देख रहे हैं ये गड़बड़ चल रही है। चेंज इन ओआई जो है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग ओआई के, पिछले 2 दिन से यही कंडीशन चल रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट होगी, उसके बाद ही आपको चेंज इन ओआई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। फिलहाल आउटस्टैंडिंग ओआई जो है 75,000 प्लस का है 17,900 के ऊपर, लेकिन अगर बहुत इंटेंसिटी के साथ में गिरावट हुई तो 17,900 भी निकल सकता है नीचे की तरफ, एंड देन उस कंडीशन में साइकोलॉजिकल सपोर्ट, चार्ट के हिसाब से सपोर्ट एंड ओआई के हिसाब से सपोर्ट जो है आपके पास में वो 17,800 पर है।
जो 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में है। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को नीचे निकलना है तो 17,800 वो स्ट्रांग सपोर्ट होंगे, ना कि 17,900 जो गिरावट को संभाल सकते हैं। इसीलिए लोएस्ट रेंज जो मेरे लिए निकल के आ रही है कल की 17,800 के आसपास रहती हुई दिखाई दे रही है। अब जब आज 18,000 के लेवल क्रॉस हुए तो हमारे पास में ये उम्मीद जगी कि शायद 18,250 के आसपास की क्लोजिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी स्टिल 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं एक्सपायरी तक। बट सिचुएशन जो अभी ग्लोबल मार्केट्स में है उसने पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस को रिवर्स कर दिया, यानी कि अब मुझे लग रहा है कि शायद 18,000 के अंदर ही अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिले। हालांकि इस डेटा के हिसाब से हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते, बट जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज ही गिरावट है तो कल ट्यूसडे वाले दिन आपको मार्केट्स में गिरावट देखने को मिलेगी। सेकेंड जो बेसिकली पॉइंट है यहां पर वो क्या है, सेकेंड पॉइंट ये कि देखिए जब इन्फ्लेशन रेट के डर की वजह से यूएस फेड एग्जैक्टली आपको ये बता देगी कि भाई अब हम इतने परसेंट का इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में, फिर वापस से एक बार जिटरनेस आने का चांस है। तो एक तो ओमाइक्रॉन का जो बेसिकली स्प्रेड है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसराइल कह रहा है कि 40% उनकी जनसंख्या को बेसिकली इन्फेक्शन हो गया है, फाइन। दूसरी तरफ ये इन्फ्लेशन का डर 6.57% के आसपास था लास्ट अगर आप इन्फ्लेशन डेटा की बात करेंगे लास्ट मंथ की, और इस बार उससे भी ज्यादा आने का अनुमान है, वो डर है। तीसरा यूएस के लिए एम्प्लॉयमेंट डेटा का इश्यू आ रहा है। तो ये जो सारी चीजें प्रॉब्लम थी ये पहले भी थी, लेकिन अब क्लब होके अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने की कगार पर पहुंच चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि शायद एक जिटरनेस मार्केट्स के अंदर आ सकती है। हालांकि हम ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, हमारे पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी अवेलेबल है चार्ट्स के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि इस जिटरनेस, ये जो 2 से 3 दिन की जिटरनेस होगी, इसमें हम लोग 17,700 के नीचे जा पाएंगे। बट फिर भी प्रिपेयर रहिएगा कि कल के लिए तो 17,800 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल के बाद में किस तरीके की पोजिशन बनेगी, वहां से हम लोग अगले दिन का सपोर्ट निकालेंगे कि कहां तक जा सकता है। तो अपर रेंज की अगर मैं बात करूं, देखिए जिसके चांसेस बहुत कम है, बट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन अगर बाइंग आती है डीआईएज एंड रिटेलर्स की तरफ से, तो मैं समझता हूं 18,100 के ऊपर 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है। इससे ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, जैसे ग्लोबल संकेत अभी बता रहे। तो फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है कि अपर रेंज जो है वो 18,100 या मैक्सिमम, अगर देखिए हमारे पास में ये कंडीशन नहीं रही कि डॉ ने क्लोजिंग होते होते काफी ज्यादा रिकवरी कर ली, एनएसजीएक्स निफ्टी ने बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाया, तो भी मैं अपर रेंज जो है इसके अंदर 50 पॉइंट्स और ऐड करूंगा, यानी कि 18,150 की उस कंडीशन में रेंज रहने वाली है। लेकिन ऑल डिपेंड्स अपॉन द डाउ क्लोजिंग। तो मेरे पास में जो रेंज है वो एक्चुअली में आप समझिए 300 या 350 पॉइंट्स की है, 300 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स की रेंज आपके लिए कल निफ्टी की निकल के आ रही है, जिसमें निफ्टी कल ट्रैवल होते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कल मार्केट सिंक हुए तो फिर आप यकीन मानिए कि थर्सडे की जो क्लोजिंग है वहां तक आपको 18,000 के लेवल्स नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सीरीज ऑफ नेगेटिव इवेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं। भले ही आपके पास में एक बजट रैली थी, बट ग्लोबल न्यूज की वजह से अगर मार्केट इंपैक्ट हुए तो कल डाउ का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, परसों यूएस फेड क्या कहेगी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों दिन मुझे लगता है कि जब कंबाइन होंगे तो हो सकता है 17,700 या 800 के आसपास आपको एक्सपायरी देखने को मिले। बट ये उसी कंडीशन में है कि अगर डाउ ने नेगेटिव इंपैक्ट किया और ये वहां से रिकवर नहीं होता हुआ दिखाई दिया तो तब एक अलग सिनेरियो होगा। लेकिन अगर देखिए यहां पर रिकवरी हो जाती है कल के दिन ही, यानी कि अगर हम 300 पॉइंट नीचे गए, 250 पॉइंट नीचे गए एंड फिर 150-200 पॉइंट की रिकवरी हो गई, देन डेफिनेटली फिर हम उस रैली को, प्री बजट रैली को भी रिज्यूम होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल कंडीशन में बैंकिंग स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है और मुझे भरोसा सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ ही है कि अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है तो आपके पास में सपोर्ट क्या होगा, बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा। और उस कंडीशन में निफ्टी नीचे जाने से अगर रुकेगा तो सिर्फ बैंक निफ्टी के सपोर्ट से ही रुक सकता है। ऑल ओवर जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ी डाइसी है, बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ कहना मुश्किल है, बट स्टिल हमें कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। और अगर आपने पोजीशंस नहीं हेज करी हैं या फिर आपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए हैं तो कल सुबह उठते ही उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और एसजीएक्स निफ्टी एंड डॉ की क्लोजिंग जरूर देखिएगा कल सुबह उठते ही, वहीं से आपको स्ट्रैटेजी बनती हुई दिखाई देगी कल के कंप्लीट ट्रेडिंग सेशन के लिए।
आई होप ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे आज की इस निफ्टी के अंदर, एंड आप जरूर इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे बाकी सारी क्लोजिंग से जो इंडेक्सेस अभी चल रहे हैं मार्केट जिन यहाँ पर खुले हुए हैं उनके साथ में, और उसी हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।